हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रौनक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन स्टूडेंट रिव्यू 26 जुलाई। तो आज का जो पेपर है वो कल के पेपर से काफ़ी इजी आया है और मैंने जो अपने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे ये रिव्यू दिया है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे बेसिकली तो देवर मेजरली फॉर फ्रॉम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर 3D। उसके अलावा मैथ्स जो था वो इजी था और आज का जो जैसे कि कल का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि 25 जुलाई का जो मैथ्स है बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं आया जबकि 26 जुलाई का जो मैथ्स है उतना ही इजी आया है। तो NTA जो है आपकी बार कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री पे जो क्वेश्चन थे देवर मेजरली फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री वॉज टफ एंड रेस्ट वॉज ईजी। सो केमिस्ट्री में आप लोग प्लीज़ अपना जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा ही एम्फेसाइज करिए और उसको प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कर लीजिए क्योंकि हो सकता है फिजिकल टफ आए आप उससे ना बने, तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से आप इतने ज़्यादा स्कोर कर सकें ताकि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ख़राब ना हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में। कुछ सेमीकंडक्टर्स से थे, कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोफिजिक्स से थे यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनका जो लेवल था मॉडरेट था। तो फिजिक्स आज के पेपर में मॉडरेट आई। तो कुल मिला के अगर मैं आज का पेपर कहूँगा तो इजी टू मॉडरेट था। तो आज के पेपर की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, तो होप्स हो आप लोग का आज का पेपर बहुत अच्छा गया हो। और कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब।